ठीक है, कैसे हैं आप लोग? ऐसा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आप लोग का एकदम पूरा नेक्स्ट लेवल पे चल ही रहा होगा भाई। जब अगर बैंक किसी भी बैंक का तैयारी करते हैं ना, ठीक है, किसी का खास नहीं होता है, हमको SBI POI क्रैक करना है, कोई कहता है हमको RRB करना है, कोई कहता है हमको कहीं मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो रीजनिंग जो है ना, आपके एग्जाम का अहम रोल होता है। रीजनिंग में भी जो पजल जो पोर्शन रहता है ना, ठीक है, पजल मतलब अगर इतना ये कहा जाता है ना कि अगर आपका पजल अच्छा है ना, ठीक है, अच्छे से आप बना लेते हो ना, तो आपका एग्जाम ही क्रैक हो जाएगा। ठीक है, अगर पजल आप नहीं बना रहे हो ना, तो आप एग्जाम से ही बाहर हो जाओगे, है ना? तो ये चीज़ हमेशा आप ध्यान में रखना। और अच्छा, सेशन जो होने वाला बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। प्रीलिम्स लेवल का पजल है, और ऐसा पजल ना हर कोई बना देगा, है ना? लेकिन मान्य ये रखता है कि आप कितना देर में उसको बनाते हैं, है ना? तो चलिए, ज़्यादा पजल बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा लर्न टॉप है। और ये भी पजल नहीं बन रहा है ना, तो भाई आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने का जरूरत है, एकदम, है ना? चलिए, तो पजल दिखाएं। पक्का पक्का पक्का, चलो ये रहा पजल। 4 लाइन 5 लाइन का पजल है भाई। देखो बनाना कैसे इसको। देखो यहाँ पे क्या कह जाना, 8 लोग हैं, ए से लेके एच तक, मतलब A B C D E F G H, हो गया 8 लोग हैं, ठीक है ना? सेंटर को फेस कर रहा है, ठीक है, लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं, मतलब 8 लोग हैं ना, मतलब 2 2 4 2 6 2 8। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये फेस किधर कर रहा है ना, 4 6 2 8, हो गया ना? मतलब ये सब ये अंदर की तरफ फेस कर रहा है, तो बस ये सिंबल देने का जरूरत नहीं है, बस आपको मान लेना है और तुम देने के लिए बता दिए। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है ना कि डी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। डी जो है ना, मान लेते हैं यहाँ पे डी है, डी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, यहाँ पे जी है, तो इसका सेकेंड टू द लेफ्ट यही हो जाएगा, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ ए, मतलब 1 2 3, ए यहाँ पे हो जाएगा। इस वाले केस में भी तो सेम ही रहेगा ना, डी जी और 1 2 3 ए हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, हो गया। एच जो है ना, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, थर्ड टू द लेफ्ट मतलब 1 2 3, एच यहाँ पे हो गया, इस वाले केस में 1 2 3 एच हो गया, यहाँ पे होगा, सेम सेम चल रहा है। ई इज नॉट द नेबर ऑफ जी। देखो ई जो है ना, जी का नेबर नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं हो सकता है, हो सकता है यहाँ पे हो जाए, या फिर हो सकता है यहाँ पे हो जाए, दो ही जगह खाली है। ओनली वन पर्सन सी और ई के बीच में, सी और ई के बीच में एक लोग है, मतलब सी यहाँ पे हो जाएगा, इस वाले में सी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और बी इज नॉट द नेबर ऑफ डी, बी डी का नेबर नहीं, इसका मतलब बी यहाँ पे हो जाएगा, इस वाले में बी यहाँ पे हो गया, है ना? सी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, सी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, देखो इस वाले में तो सी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी इसमें है नहीं है, तो ये वाला आपका हो गया गलत। ए बी सी डी ई, यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे एफ, एकदम कितना देर का क्वेश्चन है ये ना, 1 से लेकर के 1.5 मिनट तक में ये क्वेश्चन एकदम बन जाना चाहिए, मतलब 2 मिनट में ना आपको 5 मार्क्स एकदम पूरा फिक्स होना चाहिए ये वाला पजल, है ना? बहुत लोग नहीं प्रैक्टिस रहेगा ना, ये एक बार बताओ, कहा जाता है ना 1 से 1.5 मिनट में ना पजल वही बनाता है जिसका प्रैक्टिस अच्छा खासा होता है, ना? इसीलिए मैं रोज सेशन लेकर के आ रहा हूँ, है ना? तो आप पीछे का भी जितना भी पजल है ना, अगर वो आप नहीं देखें तो देखो एकदम, क्योंकि पता है बहुत लोग का ना प्रीलिम्स से क्लियर नहीं हो पाता है, ये भी बात है, ध्यान से रखना एकदम अच्छे से। कहीं सेशन अच्छा लगा जो इसको शेयर कर, चैनल पर पहली बार, तो आपका सपोर्ट तो बनता है ना? चलिए, बाय बाय, टेक केयर।